दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। और रियली इस तरह की वीडियो मैंने अपने चैनल में पहले कभी नहीं डाली, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर, क्योंकि मैं आया हूँ, अभी बताता हूँ, रुकिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एलिवेट एडवेंचर पार्क। और ये पार्क वाकई बहुत ही शानदार पार्क है। और ये एकदम नया पार्क है, एकदम लेटेस्ट पार्क है और बहुत ही ट्रेंडिंग पार्क है। और मैं आपको बोलता हूँ, मैं पहली बार आज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह के एडवेंचर पार्क में पहली बार आ रहा हूँ, और मैं रियली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरे विजिट को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस एडवेंचर पार्क से जुड़ी, यानी कि एलिवेट एडवेंचर पार्क से जुड़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये एडवेंचर पार्क यानी कि एलिवेट एडवेंचर पार्क गुड़गांव, ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है और गुड़गांव से बहुत ही नज़दीक है। एक्चुअली ये गुड़गांव और फरीदाबाद का जो हाईवे है उस पर बिल्कुल पड़ता है। और जैसे आप गुड़गांव से फरीदाबाद की तरफ जाएंगे, जो टोल नाका है, टोल नाके से थोड़ा पीछे ही आपको पड़ता है, यानी कि ये बंदवाड़ी में है। और जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर ये हाईवे है और ये फ्लाईओवर के नीचे, यानी जो पहला फ्लाईओवर आता है उसके नीचे ही आपको यू टर्न मिलता है। और यू टर्न लेते ही आपको यहाँ पर मेन रोड के साथ सटा हुआ ये एलिवेट एडवेंचर पार्क आपको मिल जाता है। और जैसे आप चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर पार्किंग की भरपूर सुविधा है, यानी काफ़ी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती है। और सामने आपको इसका गेट मिलेगा, और ये गेट है, और हम अभी गेट से अंदर चलते हैं और नीचे अंदर देखते हैं कि हमको यहाँ पर अंदर किस तरह का माहौल देखने को मिलता है। और जैसा आप देखेंगे, यहाँ से हमको कुछ जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं उनके कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट्स हमको यहीं से दिख जाते हैं। और जो अंदर सबसे पहले हमको दिखता है, यहाँ का ऑफिस दिखता है, और काफ़ी सुंदर सा एक यहाँ पर एक गेट बनाया गया एंट्रेंस के लिए। तो गाइस, यहाँ पर ये भी अंदर इसका एंट्रेंस है। और जैसे थोड़ा शाम हो चुकी है, और ये एंट्रेंस आते यहाँ करते ही आपको काफ़ी बड़ी एक लॉबी यहाँ देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट किया गया है, और यहाँ पर सामने आपको काउंटर मिल जाता है। वैसे तो ये जो इसका टिकट है वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर यहाँ आकर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर हम टिकट की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर टिकट है, जैसे कि यहाँ पर रेंज है, जैसे यहाँ 2000 रुपये का टिकट है, 1400 रुपये का टिकट है, जैसे आप यहाँ देखेंगे 800 रुपये का टिकट, 1500 रुपये का टिकट और 2000 रुपये का टिकट। और ये सारे जो यहाँ पर जो अलग अलग जो टिकट हैं वहाँ पर, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ मिलेंगी। ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ में आपको मील इंक्लूड मिलेगा, जैसे 2000 में भी मील है। और यहाँ पर कुछ 17-18 जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जिप लाइनिंग है, फ्लाइंग फॉक्स है, एंजल फॉल्स है, रॉक क्लाइंबिंग है, रोप कोर्स है, ये सारे आपको करने को मिलेंगे। वैसे 1400 रुपये में आपको मील मिलेगा, पर जो 800 रुपये का जो टिकट है उसमें आपको मील नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर आपको कुछ 10 एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर आके अपने चॉइस के जो भी एक्टिविटीज़ आपको करनी है उसके हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं। और टिकट आपको यहाँ पर सामने काउंटर में मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलता है। टिकट लेने से पहले आपको एक छोटा सा एक पेपर वर्क करना होता है। पेपर वर्क करने के बाद आपको इस तरह का जो बैज होता है वो बैज मिल जाता है, जैसे रिस्ट बैंड मिल जाता है। और इसके बाद आप आगे अंदर जाकर पूरे सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आपके टिकट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो गाइस, अंदर आते ही हमको काफ़ी बड़ा एक लॉन देखने को मिलता है, और काफ़ी सुंदर यहाँ पर अरेंजमेंट बनाया गया है, और काफ़ी बड़े एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सबसे बड़ा अगर बोला जा सकता है ये एडवेंचर पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर का। और ये सामने आपको एलिवेट का जो पूरा ब्रांडिंग दिखेगा, जैसे आप सामने देख पाएंगे एलिवेट टीम स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी बनाया गया है। और अगर हम जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक देखने को मिलता है, और आप इस ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे जा सकते हैं। वो जो सबसे पहले हमको आगे यहाँ पर गेट दिख रहा है, और गेट पर लिखा हुआ गेट वे टू थ्रिल। और रियली यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम अंदर जाएंगे तो ये जो हमारा पूरा जो यहाँ विजिट होने वाला है वो बहुत ही थ्रिलिंग विजिट होने वाला है, क्योंकि मैं इस तरह के किसी भी वाटर, मतलब जो फन पार्क है, मैं उसका पहली बार आ रहा हूँ, और ये पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहेगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमको किस तरह के एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं, करने को मिलते हैं। सामने वाले हम ट्रैक से अंदर आए, और ट्रैक से अंदर आने के बाद हमको सबसे पहले यहाँ पर एक रोप कोर्स देखने को मिलता है। और रोप कोर्स में जैसा पूरा जो ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ पर एक पूरा उसको आपको ब्रीफ किया जाता है, किस तरह के यहाँ पर आपको सेफ्टी हार्नेस वगैरह दिए जा रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, सारा कुछ आपको समझाया जाता है रोप कोर्स में चढ़ने से पहले। और फिर उसके बाद आपको ऊपर लिया जाता है। और इसमें अगर आप बात करें तो हम अगर पूरे रोप कोर्स की बात करें तो यहाँ पर रोप कोर्स में लगभग 3 टीयर हैं, एक नीचे फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर एंड थर्ड टीयर। और अगर पहले लेवल की बात करें तो ये लगभग 10 फीट पर है, उसके बाद हमारा जो सेकंड लेवल है वो लगभग 30 फीट पर है, और उसके बाद ऊपर वाला जो लेवल है वो लगभग 40 फीट पे है। तो ये सारे तीन अलग अलग यहाँ पर लेवल हैं पूरे रोप कोर्स का।
फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरे रोप कोर्स के दौरान आपको किसी समय ऐसा लगता है कि मुझे क्विट करना है या मुझे छोड़ना है, मैं आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो इस पूरे रोप कोर्स में ना जगह जगह पर चारों कॉर्नर पर इस तरह की सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, यानी कि आपको पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे ये एक्टिविटी छोड़नी है, आपको आराम से इस तरह से सीढ़ी से उतार दिया जाएगा और आप जा सकते हैं। तो यानी कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा या क्या, आपकी सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। और रियली अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरे इस फन पार्क का, वो बहुत ही अच्छा रहा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और जैसा मेरे पीछे देखेंगे, ये मेल्टडाउन इसको बोला जाता है, और ये मेल्टडाउन कुछ इस तरह से आपको इस पूरे जो ये जो रोटेटिंग जो पोल है इससे बचना होता है। अब इससे हम करेंगे और मेरे फैमिली मेम्बर जाएंगे और उसके बाद मैं भी जाऊँगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा। आप देखते रहिए। अभी हमारा जो अगला जो एक्टिविटी है ये बुल है, इसको टेक्सस बुल बोला जाता है। टेक्सस बुल एक्टिविटी, और आपने काफ़ी सारे इस एक्टिविटीज़ को आपने पहले भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, और इस एक्टिविटी को भी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने इसको इससे पहले कभी किया नहीं और मुझे रियली इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है, यानी इस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ अभी से लगनी शुरू हो चुकी है। अगर बात करें यहाँ पर बच्चों के लिए, यानी किस उम्र के, मतलब जो एज ग्रुप के लिए ये जो पूरा पार्क है सूटेबल है, अगर मैं बोलूँगा तो ये सारे एज ग्रुप्स के लिए सूटेबल है। यहाँ पर बड़ों के लिए भी करने के लिए, बच्चों के लिए भी करने के लिए। बड़ों के लिए तो यहाँ पर हर एक चीज़ है, हर एक एक्टिविटी है जो बड़े कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, जैसे कि टेम्पोरिन वगैरह है, फुटबॉल वगैरह है, यहाँ पर और भी सारे, जैसे आप ये जो मेल्टडाउन है ये बच्चों के साथ करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पर बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए। और रियली अभी तक का मेरा टाइम यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार रहा है और मैं भी इंजॉय कर ही रहा हूँ। आगे भी मैं आपको पूरी इस वीडियो में मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा जो मैंने यहाँ पर इस पार्क में किए हैं, और रियली मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पार्क में। तो गाइस, आपको यहाँ पर टायर क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग और नेट क्लाइंबिंग, ये तीनों भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। और यहाँ पर काफ़ी जो लोगों के अंदर काफ़ी क्रेज़ है इसको लेकर कि सबसे ऊपर तक जाना और वहाँ से फिर वापस आना, रियली काफ़ी ये अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो वॉल क्लाइंबिंग है, टायर क्लाइंबिंग है, इससे आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पर हर जगह वेट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों की। और अभी हम सीधा जा रहे हैं स्काई साइकिलिंग में, और स्काई साइकिलिंग का अपना ही एक मज़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि आपको पूरा हार्नेस किया जाता है, पूरा आपको हेलमेट वगैरह लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर हर एक एक्टिविटी में सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर किसी भी चीज़
की कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। आपको पहले पूरा प्रॉपरली चेक किया जाता है, आपके हार्नेसेस को चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको उस एक्टिविटी को करने दिया जाता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कंडीशन है कि आपका बीपी हाई है या आपका हार्ट बीट का कुछ प्रॉब्लम है या इस तरह से कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको पूछेंगे। अगर आपको वैसा कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सीधा मना कर देंगे कि एक्टिविटी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। अदरवाइज ये सारी एक्टिविटीज सभी के लिए बिल्कुल सेफ है। हमारे केस में सबसे पहले हमारी डॉटर एंड मेरी वाइफ गई और उनको रियली पहले वो तो डर रहे थे, पर बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आया पूरे इसको एक्टिविटी करने के लिए, और करने के बाद का जो इनका एक्सपीरियंस था वो वाकई ही उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पूरे एक्सपीरियंस को बताया। ये लोगों को करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपने डर से जीतते हैं, अपने डर से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सीलिंग शॉट है और ये जो देखेंगे अगर यहाँ पर जो ये जो एक्टिविटी है इसको सीलिंग शॉट बोला जाता है, यानी कि सीलिंग शॉट यानी कि आपको गोली की तरह उड़ा दिया जाता है। और मैं इतना मतलब मेरा जो दिल है वो इतना मजबूत नहीं है और शायद मैं ये एक्टिविटी नहीं करूँगा, पर हाँ जो लोगों ने यहाँ पर इस एक्टिविटी को किया है उसके क्लिप्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों इधर जो इस पूरे यहाँ पर एडवेंचर पार्क में एलिवेट एडवेंचर पार्क में जो सबसे मुझे मज़ेदार लगा वो यहाँ का ज़िपलाइन लगा। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली NCR में मुझे नहीं लगता इतना लंबा ज़िपलाइन आपको मिलेगा। इस ज़िपलाइन की जो लंबाई है यानी कि 300 मीटर कवर करती है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 60 मीटर हाइट पर है और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो लगभग 20 से 30 फीट की हाइट पर ये एंड करता है। तो रियली जो ये पूरी एक्टिविटी है वाकई बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। दोस्तों कुछ एक्टिविटीज़ को स्किप करने के यानी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था इसीलिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़ किए नहीं, और उसके बाद हम पहुँचे जाइंट स्विंग में। और जाइंट स्विंग में आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरह से जाइंट स्विंग, और जाइंट स्विंग मैंने भी किया है और मेरा एक्सपीरियंस आप जरूर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वाकई शायद बड़ा हॉरिबल दिख रहा होगा मैं उसके एम्पोरे क्लिप में, पर वो जो मज़ा है ना वो रियली आपको बैठ के जो पहला शॉट निकलता है ना उस शॉट के बाद आपको मज़ा आता है, और रियली काफ़ी मज़ेदार ये पूरा एक्टिविटी है, ये जरूर करनी चाहिए। बस है ना, बस 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 बस। अरे वो डरा ही के नहीं, हो गया। ओके चिल्लाओ जितना चिल्लाओगे और चिल्लाओ इजी ओके चिल्लाना है, कभी भी होता है ना चिल्लाओ आराम से वो डर निकल जाए। डर के आगे सनु जीते ऐसा लगता है किसी गिर जाएंगे ऐसा मुंह का एक्सप्रेशन ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ मैंने किए और कुछ मैंने स्किप भी किए, पर मैं आशा करता हूँ आप जब आएंगे यहाँ पर तो आप ये सारे एक्टिविटीज़ का मज़ा पूरा लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं हाइट से थोड़ा मेरे को थोड़ा सा एक फोबिया है तो इसकी वजह से मैं कुछ एक्टिविटीज़ मैंने स्किप कर दी। पर अब इसके बाद हम आगे जाते हैं और वो जो आगे की पूरे एक स्ट्रेच है जो आगे की अगला एक्टिविटी है वो वाकई बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है इस एलिवेट फन पार्क में और काफ़ी मज़ेदार रहा है, और यहाँ पर अभी जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ है मुझे आपको शेयर करना है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे जो सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलती हैं वो सारे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, वेट करिए अभी बहुत कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों काफ़ी पहले हम आए थे यानी कि लगभग यहाँ पर 4:30 बजे करीब आए थे हम लोग, और अभी काफ़ी समय हो गया, अभी भी मन नहीं भरा है और सारे एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी अपने जो मेन एक्टिविटीज़ थे उसको करने के बाद अभी यहाँ पर आ गए हैं, जैसे आप देख पाएंगे किंग मिन्स कैसल, और ये जो जैपनीज एक गेम शो आया करता है तकाशी कैसल उसी के बेस पे ही बनाया गया है। और अभी हम इसको अभी अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी हमने इसको अंदर नहीं गए, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसको भी देखेंगे कि यहाँ का जो थ्रिल है, जो मज़ा है, जो एक्साइटमेंट है वो कैसा है यहाँ पर। अभी तक जितना मैंने
मैंने कुछ थोड़ा बहुत इधर जो सर्च किया था, जो यहाँ पर इसके बारे में मैंने जो पता लगाया था, उसमें यहाँ पर लोगों ने रियली बहुत इन्जॉय किया है। हालाँकि हमारा थोड़ा टाइमिंग थोड़ा ऑफ हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेट इवनिंग की तरफ आ गए, तो अभी देखते हैं हमको कैसा मज़ा आएगा, पर मज़ा आएगा, चलेंगे अंदर तो ही पता चलेगा। सो गाइस, ये हमारा कैसल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत स्लाइड है, और मेरे मम्मी पापा अभी स्लाइड में जा रहे हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है, और मेरी मम्मी आगे जाते हुए, मेरे पापा भी कम पीछे नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पापा पहले पहुँच गए, लेकिन मेरी मम्मी भी आगे है। अभी मेरी मम्मी आगे चल रही है, पापा भी उनके पीछे पीछे। अभी मम्मी पहले ऊपर पहुंच गई है, मम्मी पहले नीचे उतर रही है, दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन चल रहा है। और ये कैसल ही कंपटीशन के बारे में है, मेरी मम्मी पहले ग्राउंड टच कर चुकी है, वो कौन सी तरफ पड़ रही है, लेकिन मेरे पापा अभी तक यहीं पर है। और उन्हें अभी यहाँ पर एक फ्लैग मिल गया है, दोनों ने सेम टाइम पर कंप्लीट किया है, दोनों पानी की तरफ बढ़ते हुए। मेरे पापा पहले पहुंच गए हैं, मम्मी अभी थकी हुई सी लग रही है, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। On a march, get set, go! अरे उसके बाद फिर मेरी मम्मा पानी में गिर चुकी है, मेरे पापा साइड से निकल कर आ गए। तो अभी यहाँ पर हम भूल भुलैया देख सकते हैं, दोनों एकदम हाइप में। अब हम देखते हैं कौन सा रास्ते से आगे, और पापा सही रास्ते से आते हुए, सही रास्ते से पापा फिर सही रास्ते से आते हुए। अब है बॉलिंग, ये यहाँ पर बॉल्स ये घुमाएंगे, स्विंग होंगे ये, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, और जो इससे टकराएगा वो हार जाएगा। अभी पापा आगे चल रहे हैं, अभी वो दोनों कोन्स की तरफ बढ़ते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे रोल्स है, यहाँ इन सबको पार करके जाना है यहाँ से। मेरी मम्मी पूरी कोशिश कर रही है, आराम से। लायो। सो गाइस, ये जो तकाशी कैसल, यहाँ का जो मज़ा है वो रियली जैपनीज मज़ा इंडिया में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल बहुत मज़ेदार है। और फैमिली के साथ अगर आएंगे ना, तो एक कॉम्पिटिशन के साथ, एक प्यार भरा कॉम्पिटिशन बड़ा मज़ेदार रहेगा। यहाँ पर इनके जो स्विमिंग पूल व जो पानी से रिलेटेड जो वाटर एडवेंचर है वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर रेंडास देख सकते हैं, और आगे भी दो तीन एक्टिविटीज़ है वो सारे दिखाता हूँ। और ये काफ़ी जो शाम के टाइम पर ना, ये पूरा जो माहौल है ना, वाकई बहुत मज़ेदार लग रहा है, और यहाँ पर एंजॉय करना बनता है। तो फिलहाल हम दोनों पापा और बेटी तो यहीं पर रुक रहे हैं, और जो हमारी श्रीमती जी हैं वो आगे चली गई हैं, और उनको रियली बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बोलूँगा यहाँ पर लेट इवनिंग है, और थोड़ा सा लेट नाइट तक रहे, यानी कि अंधेरा होने तक रहे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो रियली अंधेरा होने के बाद वाकई दुगना तिगुना चार गुना बढ़ जाता है। और ये पूरा जो लॉन है ना, इस लॉन पे आप आराम से फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, और पीछे वहाँ पर भोजनालय है,
वो भोजनालय में अभी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले हम यहाँ के स्विमिंग पूल देखेंगे और स्विमिंग पूल में क्या क्या जो सुविधा है वो मिल रही है वो मैं आपको सारा कुछ अभी बताने वाला हूँ। अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें तो काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ पर रियली काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ मज़े ले सकते हैं और रियली यहाँ पर जो पानी भी बिल्कुल क्लीन है और स्विमिंग पूल की तरह नहीं कि पानी गंदा है, पानी काफ़ी क्लीन है। और चूँकि ये पूरा जो एडवेंचर पार्क है अभी नया है तो यहाँ पर हर एक सुविधा काफ़ी अव्वल दर्जे की मिलती है। सामने आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाता है, तो यहाँ पर 100 रुपये में लेडीज़ और जेंट्स के लिए कपड़े मिल जाते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग रूम सामने ही आपको मिल जाता है, वहाँ चेंज करिए, स्विमिंग पूल में मज़े लीजिए और फिर अपना पूरा जो इस पूरे एक्टिविटी में जो आपने जो थकान ली है उसको थकान को इस पानी में निकाल दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना जो पानी में स्विमिंग पूल में जो रिलीफ मिलता है वो अलग लेवल का रिलीफ होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टिकट्स में यानी एक टिकट को छोड़ के बाकी सभी टिकट्स में आपको मील इंक्लूड होता है, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो, वो कोई भी एक टाइम का आपका मील आपके टिकट में इंक्लूड होता है। और अभी मैं यहाँ का जो डाइनिंग रूम बोल लीजिए या रेस्टोरेंट बोल लीजिए जो भी बोल लीजिए, मैं वहाँ पर आ गया हूँ। तो कुछ इस तरह से ये रेस्टोरेंट का पूरा व्यू है, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को यहाँ पर बैठने की जगह है और वैसे खाली जगह भी बहुत है, यानी और चेयर्स की यहाँ पर अरेंजमेंट की जा सकती है। और यहाँ पर बूफे लगता है, बूफे में जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पर कढ़ाई पनीर, उसके बाद मिक्स वेज, दाल मखनी, जीरा राइस, ये हो गया आपका पुलाव, ये आई थिंक मंचूरियन है, और ये चाउमीन और चपाती, और स्वीट में गुलाब जामुन। इस तरह से बूफे लगता है, आप पूरा यहाँ पर खेलिए कूदिए मज़े कीजिए और नहा धो के फिर वापस यहाँ पर आए, खाना खा के अपने घर तक जा सकते हैं। और हमने भी कुछ इसी तरह का प्लान किया है और हम यहाँ का रात का जो डिनर है वो यहीं करके जाएंगे। फाइनली हमारा डिनर यहाँ लग गया है और वाकई इतने सारे एक्टिविटी करने के बाद काफ़ी भूख लग गई थी। और ये कुछ हमारा डिनर है आज का और यहाँ पर हम लोग अभी सब थके हारे खाना खाने में लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना खाना खा लिया और रियली खाना का जो क्वालिटी था, टेस्ट था, काफ़ी बढ़िया खाना था। और जैसे मैंने बताया ये आपके टिकट में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था एलिवेट एडवेंचर पार्क का, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और हमारी पूरी फैमिली ने, मेरी पूरी फैमिली ने पूरा थरोली हमने इसको एंजॉय किया। और ऐसे कई वैसे पल आए जहाँ पर रियली लगा कि ऐसे टाइम हमारी फैमिली में हमेशा होते रहने चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग सुबह लगभग 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और लगभग शाम को यानी कि रात को 8 से 9 बजे तक के भी ये चलता है। और टिकट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है और मैंने बता दिया है कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, इसका लोकेशन क्या है, वो सब मैंने आपको वीडियो में आगे बता दिया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम ब्लॉग के एंड में पहुंचते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।